वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज पूजा और मैं अपने चैनल पर मोस्टली स्किन केयर, ब्यूटी, फैशन, मेकअप, स्टाइलिंग, कुकिंग और कभी कभी ट्रैवलिंग वीडियोज अपलोड करती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा कंटेंट पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक डेट मेकअप लुक होने वाला है, तो हम इसे एक सिंपल तरीके से क्रिएट करेंगे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी इसमें मैं। सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक जरूर वीडियो को देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। स्टार्ट करते हैं तो, मेकअप लुक से। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है स्किन केयर, जो कि मैं कर चुकी हूँ। आई डन विद माई स्किन केयर। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से। सबसे पहले हमें प्राइमर लगाना चाहिए मेकअप में, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे जो होते हैं वो फिल इन हो जाते हैं और फाउंडेशन को एक स्मूथ बेस मिलता है फाउंडेशन सेट होने में, और मेकअप सेट अच्छे से हो पाता है। मतलब एक बेस क्रिएट हो जाता है, स्मूथ टेक्सचर बन जाता है आपके स्किन के ऊपर प्राइमर लगाने से। इसीलिए प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप। तो सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे। Using this primer, Color Bar Flawless Finish Primer. मैं हमेशा यह यूज करती हूँ तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि अभी ठीक है हम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। एंड जस्ट वॉट वील डू इज ऐसे, ओके, एंड इसको अपने फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड इन कर लेंगे। आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर टू कंसील माई डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स। जो भी आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं उनको कंसील करने के लिए, उनको छुपाने के लिए हम कंसीलर यूज करेंगे। ये मैंने अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे लगाया है, लिड पे लगाया है, ठीक है। अब ये देखो कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, इनको मैं कवर कर दूंगी इससे। माउथ के आसपास जो भी डार्क स्पॉट्स हैं ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीजें यूज कर सकते हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं ब्लेंडर, जो कि पानी में डाल करके एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट कर लिया है मैंने। दूसरी चीज हम यूज कर सकते हैं ब्रश, कंसीलर ब्रश। तो ये दोनों यूज कर सकते हैं, मेरे को कन्वीनियंट ये लगता है। लेकिन आजकल ना मैं ये भी यूज कर रही हूँ, जस्ट मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि इससे कैसा फिनिश आता है, क्या है, तो मुझे सही लग रहा है ये। तो आई एम यूजिंग दिस ब्रश, जो कि मास की ब्रश है, एंड जस्ट डैब डैब करके आपको ऐसे ब्लेंड करना है। करना है। अगर आप फाउंडेशन नहीं लगा रहे हैं तो इसी ब्रश को आप पूरे फेस पर ऐसे कर लोगे तो आपका चलेगा। लेकिन अगर आप फाउंडेशन लगाने वाले हैं तो आप ऐसा मत करना, जस्ट फिर आप एक ब्लेंडर लेना, उसको मतलब एक फ्लॉलेस फिनिश के लिए मैं जस्ट इसको डैब इन कर दूंगी। यूजिंग फाउंडेशन, मैं ईबा का और मेबलिन का, इन दोनों का मिक्सचर लगाती हूँ अपने फेस पर, क्योंकि ये दोनों शेड मेरे फेस पर अच्छे जाते हैं। तो जस्ट मैं एक थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लूंगी अपने हाथ पर, थोड़ा सा मैंने ये लिया है, एंड थोड़ा सा ही मैं ईबा का फाउंडेशन लूंगी, एंड मैं इन दोनों को ना मिक्स कर दूंगी, एंड जस्ट मैं डॉट्स लगाऊंगी अपने फेस पर, पूरे फेस पर और नेक पर। ब्रश और ब्लेंडर में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट डैप डैप करके इसको ब्लेंड इन कर लेना है आपको पूरा। लोग हैं जो फाउंडेशन मतलब बेस बाद में करते हैं, आई शेडो पहले लगाते हैं, ठीक है, आई मेकअप पहले कर लेते हैं। मतलब इट डिपेंड्स कि आप कैसा आई मेकअप, अगर आप हैवी आई मेकअप करने वाले हैं तो आई रिकमेंड कि आप पहले आई मेकअप करो, क्योंकि उसका जो रेसिड्यू होता है वो आपके यहाँ आ जाता है। लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल लुक क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि डेट लुक मेकअप लुक है, तो इसे एक सिंपल सा ही रखना है, सिंपल और इजी। तो बहुत ही इजी हम मेकअप लुक आई मेकअप करेंगे, इसीलिए मैंने पहले बेस कर दिया है और मैं बाद में अभी आई मेकअप लुक करूंगी, ठीक है। ये ब्लेंडिंग इज दी की, आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो बेस मेकअप हो, कुछ भी हो, आपको बस अच्छे से ब्लेंड करना है। उसी से ना फ्लॉलेस मेकअप लुक लगता है, मेकअप आता है निकलकर। अभी मैं मेबलिन का ये फिटमी कॉम्पैक्ट से अपने पूरे बेस को सेट कर लूंगी,
फाउंडेशन कॉम्पैक्ट के बाद ना फेस पूरा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, तो इसीलिए हमें कॉन्टूर करेंगे थोड़ा सा बस चीक्स पर और नोज पर थोड़ा सा कॉन्टूर करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्टूर शेड जो कि मास पैलेट में से है, इसको थोड़ा सा लेना है और ऐसे बहुत हल्का हल्का कॉन्टूर करना है। ब्लश के लिए मेरी जो आउटफिट है वो पीच कलर में है, तो आई एम यूजिंग दिस दिस पीच शेड फ्रॉम दिस पैलेट और इसको ऊपर की तरफ ले जाना है आपको। चिन पे भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो फोरहेड पे भी ऐसे करके जस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आईब्रोज पर। आई एम यूजिंग शिम्बोर की आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन एंड जस्ट मैं फिल इन करूंगी अपने ब्राउज को जहां जहां मेरे को लग रहा है कि मुझे फिल इन की जरूरत है। एंड विद द हेल्प ऑफ स्पूली मैं इसको थोड़ा सा स्मज कर लूंगी, कोम कर लूंगी। सी तो मैं ये एक मेरे पास शिफोरा की आई पैलेट है जिसके कलर्स को यूज करके हम ना इसमें से ये ब्लैक कलर लेंगे और एक एंगुलर ब्लश ब्रश लेना है आपके पास, मेरे पास नहीं है। उससे ना हम यहाँ पे आईलाइनर क्रिएट करेंगे, बहुत ही आईलाइनर नहीं, हम यहाँ पे एक विंग क्रिएट करेंगे बहुत ही छोटा सा। एंड जस्ट जस्ट टेक थोड़ा सा कलर फ्रॉम दिस पैलेट, ब्लैक कलर, एंड जस्ट डू लाइक दिस, ओके, जस्ट दिस, ओके। नाउ इसको अंदर की तरफ ले जाना है आपको। उतने ही कलर से ये हो जाएगा। सी ये आपने यहाँ पे विंग विंग क्रिएट किया और अंदर उसी उसी ब्रश से जस्ट आपको ऐसे करके अंदर की तरफ आपको ऐसे पुश करना है, जैसे कि यहाँ डार्क होगा और अंदर थोड़ा सा लाइट होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये पीच कलर लेंगे इसी ब्रश से, या फिर आप दूसरा ब्रश भी यूज कर सकते हैं। आई एम यूजिंग अभी शुगर की ये जो ब्रश है हम ये यूज करेंगे। ये पीच कलर लेके इसको थोड़ा सा निकाल के इसका एक्स्ट्रा रेसिड्यू और इसको ना जस्ट ने लिड पर लगा लेंगे और इस ब्लैक कलर से थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लेंगे। ओके, ब्लश पैलेट था मास्क का, उसमें से हम इसका हाइलाइटर शेड उठाएंगे ये वाला और अपने इनर कॉर्नर पे लगा देंगे और इसको अंदर की तरफ ऐसे पुश करेंगे जिससे आई लिड पे भी थोड़ा सा ग्लो आ जाए। बहुत थोड़ा सा कलर लेना है हमको, एक्स्ट्रा निकाल देना है एंड जस्ट ओके, नीचे वाले लिड पे थोड़ा सा पीच कलर लगा सकते हैं एंड तड़ा बस में डन। हाइलाइटर बचा हुआ है, हाइलाइटर लगा लेते हैं अपने ऑफ कोर्स अपनी उंगली की हेल्प से। ओके, हाई पॉइंट्स पे आप हाइलाइटर लगाया करिए, आपके नोज पे, टिप ऑफ द नोज पे, आपके चीक बोन्स पे, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे भी लगा। सारी आती है लिपस्टिक की, हम बहुत ही सिंपल लिपस्टिक लगाएंगे। ये ईबा की की लिपस्टिक कैफे है लाटे में लिपस्टिक है। ब्लश से मुझे मजा नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा पीच कलर का ये ब्लश लूंगी एंड जस्ट थोड़ा पीछी वाइब आ रही है ना गालों पर अभी।
एंड योर मेकअप इज डन. मैंने ये वाला पीच, ये ईबा का ये लिप चिक टिंट यूज किया अभी, एंड द शेयर पीच शेड का नाम है. चलिए मैं चेंज करके आती, चेंज करके आ गई हूँ मैं अपने डेट लुक के ड्रेस में. दिस इज इन द कलर पीच, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा मेकअप पीच पीच करा है एंड बहुत मिनिमल रखा है. बट ये मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होगा बिना ड्रेस के तो नहीं होता, बिना ज्वेलरी के भी नहीं होगा. तो व्हाट वी विल डू इज, मैं बहुत ही डेंटी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ इसके साथ, क्योंकि ये जो मेकअप लुक है और ये जो ड्रेस है, ये मिनिमल ज्वेलरी ही मांग रही है. सो मानसिकेंड पहनने वाले हैं ये डेंटी सा नेकलेस. अभी हम पहनने वाले हैं इयररिंग्स, इसके साथ के इयररिंग. सो दिस इज द लुक यू गाइस, वेरी मिनिमल बट एट द सेम टाइम बहुत बहुत ब्यूटिफुल, बहुत सिंपल, बहुत ही पीची मेकअप लुक. एंड हियर इज योर डेट मेकअप लुक गाइस. अगर आप लोगों को ये रिक्रिएट करना है तो ये वीडियो देख के आप कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, ये मेकअप लुक पसंद आया है, तो आप ये रिक्रिएट कर सकते हैं आपने अपनी डेट लुक में, अगर आप कभी डेट पे जाएं तो, या फिर नहीं भी जाएं तो भी कर सकते हैं. जहां भी आप जा रहे हैं वहां के लिए, पार्टी के लिए भी ये बहुत ही सही है. लंच डेट पे, स्मॉल गैदरिंग के लिए दिस मेकअप इज अप्रोप्रिएट. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर.